सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। सुब्रत रॉय ने 75 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। बीते काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और काफी परेशान भी थे, जिस कारण उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वो अपने अंतिम समय में परिवार का भी साथ नहीं पा सके। दरअसल सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय अपने पीछे पत्नी स्वप्रा रॉय और दो बेटों सुशांतों और सीमांतों को छोड़ गए हैं, जो कि बीते कई सालों से विदेश में रह रहे हैं। ऐसे में जब सुब्रत रॉय बीमारी के कारण मुंबई शिफ्ट हुए, उस वक्त भी उनका परिवार उनके साथ नहीं रहा। बता दें कि सुब्रत रॉय को तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार के दिन मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां मंगलवार के दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वहीं सुब्रत रॉय के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सपा नेता शिवपाल यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है। वहीं शिवपाल यादव ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन पर दुख जताते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।